नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सोनवाल कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी पाठ 15 रक्त और शरीर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रक्त और शरीर नामक पाठ है। इसलिए भैया बहनों, रक्त और शरीर का क्या संबंध है, इस विषय में आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, रक्त हमारे लिए क्यों आवश्यक है, शरीर में रक्त की क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे आप, अपनी पुस्तक में भी आप देखेंगे, ठीक है, लगाएंगे, ध्यान देंगे। लीजिए पाठ 15, रक्त और शरीर। ज्योति अमन की छोटी बहन है। यों तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इन दिनों वह हर समय थकान महसूस करती रहती है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। उसकी भूख प्यास भी पहले से काफ़ी कम हो गई है। अमन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है ज्योति के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी। रक्त माने होता है खून, ठीक है। डॉक्टर ने जब देखा तो उसने कहा कि लगता है कि ज्योति के शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। अमन उसे जांच केंद्र में ले गया। वहाँ एक नर्स ने ज्योति की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी तथा एक स्लाइडर पर लगा दी। अमन को कल आकर रिपोर्ट ले जाने को कहा। ठीक है, अगले दिन अमन नर्स के पास पहुंच गया। नर्स ने ज्योति की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, ज्योति को एनीमिया है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, वह कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि एनीमिया शब्द आया यहाँ पर, एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो एनीमिया से आपका क्या मतलब है? मिस्टर अमन ने पूछा। सिस्टर
डॉक्टर को कहा उसने, एनीमिया से आपका क्या मतलब है सिस्टर? अमन ने डॉक्टर से जो है पूछ लिया, ये पूछा, ठीक है। नर्स ने बताना शुरू किया, अर्थ बताया कि अमन देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, पर यह भानुमती के पिटारे से कम नहीं है। भानुमती के पिटारे से कम नहीं है, अर्थात इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग तरल, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं। इन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, सही है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ठीक है। यह कहकर नर्स ने एक स्लाइड पर कुछ रक्त कण दिखाए। वे कण ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या, ठीक है, अगला देखते हैं। लाखों में होती है, ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, ठीक है। तब तो कुछ ही महीनों में ये कण खत्म हो जाते होंगे, अमन ने पूछा, ठीक है। नर्स मुस्करा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट हुए कणों का स्थान लेते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण के काम में लगे रहते हैं। हाँ, इन कारखानों को प्रोटीन लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत रहती है। कच्चा माल ना मिल पाने पर रक्त कण नहीं बन पाते। लाल रक्त कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। देखो, एनीमिया के बारे में अभी आपने इतनी सारी बातें पढ़ी,
मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि खून में जो लाल कण होते हैं, लाल रक्त कणों की कमी के कारण एनीमिया होता है। सिस्टर, एनीमिया होने के कारण क्या हैं? अमन ने जानना चाहा। नर्स ने बताया, हमारे देश में एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इस रोग का एक और भी कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। भैया बहनों, एनीमिया होने का मुख्य कारण नर्स जी ने बताया कि पौष्टिक आहार की कमी, दूसरी बात पेट में कीड़ों का होना, तीसरी बात दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ को खाना, ये एनीमिया का होने का कारण है। अमन ने पूछा, इससे हम कैसे बच सकते हैं? नर्स ने बताया, हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें भोजन करने से पूर्व साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए। साफ पानी ही पीना चाहिए, ठीक है। शौच के लिए साफ शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। अब अमन के मन में रक्त के बारे में कई बातें जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। उसने पूछा, सिस्टर, आपने रक्त में सफेद कण और प्लेटलेट्स के बारे में भी बताया था, शरीर में इसका क्या काम है? नर्स बोली, सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं, तब सफ़ेद कण उनका वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं और प्लेटलेट्स का काम है चोट पर रक्त के जमने की क्रिया में मदद करना। यह रक्त नलिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देते हैं। प्लेटलेट्स इस जाले से चिपक जाते हैं, इससे रक्त का बाहर बहना रुक जाता है। नर्स ने कुछ रुककर आगे बताया, अगर अधिक मात्रा में रक्त बह जाए तो खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। हर व्यक्ति का रक्त एक समान नहीं होता। रक्त चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है। रक्त को एकत्रित करने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अमन ने पूछा। नर्स ने
समझाया, नहीं अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके शरीर से एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अमन ने कहा। शाबाश अमन, नर्स ने अमन की पीठ थपथपाते हुए कहा। ठीक है, ये पाठ अभी आपने रक्त और शरीर के विषय में आपने पढ़ा, समझा और जाना। तो रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, और ये एनीमिया क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसकी क्या हमारे शरीर को क्या हानि होती है, तो इसके विषय में आपने अभी पढ़ा। ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।